Hello kids, this is VK Preschool Online Class. This is the class for UKG students. आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे. हिंदी में सर आपके लिए टॉपिक लाए हैं ई की मात्रा से बने शब्द. ई यानी कि छोटी ई. छोटी ई का जो स्वर होता है बच्चों, कैसा स्वर होता है? छोटा स्वर, क्योंकि ये छोटी ई है जिसे हमें वर्ण के पीछे की ओर से ले जानी पड़ती है. ये देखिए बच्चों, द, द के पीछे की ओर से हमने छोटी ई बनाया है. द पीछे की ओर से हमने छोटी ई बनाया है. ह पीछे की ओर से हमने छोटी ई बनाया है. छोटी ई की मात्रा जो होती है वर्ण के पीछे की ओर से हम बनाते हैं. छोटी ई का जो स्वर होता है बच्चों, इसका स्वर कुछ देर के लिए होता है ई. आइए इन सभी शब्दों को हम लोग उच्चारण करते हैं. द में छोटी की मात्रा दी ना दिन दिन. द में छोटी की मात्रा दी द दिल दिल. ह में छोटी की मात्रा ही र न हिरन हिरन. क में छोटी की मात्रा की. त में आ की मात्रा ता ब किताब किताब. क में छोटी की मात्रा की. स में आ की मात्रा सा न किसान किसान. र व में छोटी की मात्रा वी रवि. देखा, जब हम इन शब्द का उच्चारण करते हैं हम लोग जिस वर्ण में ये मात्रा लगाई गई है उसे हम लोग खींच कर लंबे समय तक इसका उच्चारण नहीं करते हैं, इसे हम लोग तुरंत बोल देते हैं. इसलिए इस मात्रा को हम लोग कहते हैं छोटी ई यानी कि छोटा स्वर. जब हम लोग बड़ी ई की मात्रा से शब्द बनाना सीखेंगे बच्चों, तब हम देखेंगे छोटी ई से वो कितना अलग होता है. बड़ी ई की मात्रा जो होती है जिस वर्ण में लगती है उसकी स्वर थोड़ी लंबी होती है. वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज हमने क्या सीखा? छोटी ई की मात्रा से बने शब्द. आइए फिर से पढ़ लेते हैं. दिन दिल हिरन किताब किसान रवि. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है वो ई की मात्रा से बने शब्द इस तरह से क्वेश्चन आपके बच्चों की हिंदी होमवर्क कॉपी में लिख देंगे और दो पेज में से करवाएंगे. पहले पेज में इन तीन शब्दों को करवाएंगे. दिन दिल हिरन इन तीन शब्दों को करवाएंगे. दूसरे पेज में किताब किसान रवि इन तीन शब्दों को करवाएंगे. इस तरह से टू पेज में आपके बच्चे छोटी की मात्रा से ये छह शब्द लिखना सीख जाएंगे. थैंक यू किड्स, गुड बाय.